हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक खोज की और उस खोज में पता लगाया कि आखिर तारों में लिथियम की मात्रा क्यों होती है। वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्य का विषय भी बना हुआ था, क्योंकि जो तारे विकसित हो जाते हैं उसमें लिथियम की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने तारों का एक मॉडल विकसित किया था और उस मॉडल के हिसाब से तत्वों को तारे के गर्म प्लाज्मा से नष्ट हो जाना चाहिए था, पर लिथियम के मामले में ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर लिथियम की मात्रा ऐसे ही नहीं पाई जाती है, ये काफी दुर्लभ है और साथ ही ये रिचार्जेबल बैटरी का एक प्रमुख घटक है। इसका मतलब है कि जो भी बैटरियां आपके पास है जिनको रिचार्ज किया जाता है उनमें लिथियम की मात्रा होती है। अब हम जानते हैं लिथियम के बारे में, आखिर लिथियम में कौन कौन सी गुण पाए जाते हैं। लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li है। यह एक नरम तथा चांदी के समान सफेद धातु है। मानक परिस्थितियों में देखा जाए तो यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। लिथियम में प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसी को देखते हुए कहा जाता है कि इसे खनिज तेल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। लिथियम एक नया सफेद सोना भी बन गया है, क्योंकि उच्च क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग के कारण इसकी मांग बढ़ गई है। अब जानते हैं कि आखिर लिथियम का उपयोग और कहां कहां होता है। इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं में होता है, इसके साथ ही मिश्रित धातुओं को बनाने में किया जाता है। आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि मोटर इंजनों में सफेद धातु की बियरिंग बनाने में, एल्यूमिनियम के साथ विमान के पुर्जे बनाने में, इसके साथ ही विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और लैपटॉप में और भी कई अलग अलग जगहों पर लिथियम का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में लिथियम की क्या स्थिति है। हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पाया गया कि दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले में भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के लिथियम भंडार की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। अब हम जानते हैं कि आखिर लिथियम के उपयोग को देखते हुए भारतीय सरकार ने किस तरीके की सरकारी पहले की है। भारत ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अर्जेंटीना में संयुक्त रूप से लिथियम की खोज करने के लिए अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।